नमस्कार, एचक्यू टीवी में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा। तो मुद्दे की बात में आज चर्चा करूंगी कि आखिर हमीरपुर भाजपा के खेमे में क्यों मची है उथल पुथल। हमीरपुर भाजपा में हाल ही में जिला और मंडल स्तर की कमेटियों का गठन किया गया है, लेकिन कई वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं अपनी उपेक्षा के चलते नाराज दिख रहे हैं। हालत ये है कि मजबूरी में अपनी सहमति तो जता रहे हैं, लेकिन हकीकत में नए लोगों की ताजपोशी इन्हें अभी भी मंजूर नहीं है। बेशक जिला अध्यक्ष के पद पर देसराज शर्मा एक सर्वमान्य जिला अध्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन उधर बरसर मंडल में भाजपाइयों को मंडल अध्यक्ष की ताजपोशी पर एतराज है। चर्चा है कि अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा देने वाले नेताओं को दरकिनार किया गया है, जबकि एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम न लेने की शर्त पर कहा कि अगर दूसरे दलों से आए लोगों को ही औहदे बांटने हैं तो निष्ठावान कार्यकर्ता क्या सिर्फ झंडा लगाने बदरियां बिछाने के लिए ही हैं? कमोवेश ऐसी ही हालत हमीरपुर और सुजानपुर मंडलों में भी बनी हुई है। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिला में भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन ये मंडल भाजपा के नेताओं में उपजे मतभेद ही थे, जिसके कारण सुजानपुर में 399 वोटों से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। उधर नदौन में भाजपा प्रत्याशी करीब 3200 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, और इसका कारण भी कहीं ना कहीं मंडल भाजपा के नेताओं के बीच तालमेल की कमी रही थी। हमीरपुर में मंडल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष को लेकर भाजपा नेता पहले से ही असंतोष जाहिर कर चुके थे और इस बार कई दिग्गज कतार में खड़े थे, लेकिन इन नेताओं ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद ये चर्चा आम कर दी कि यदि जिला हाईकमान के आदेशों से ही नियुक्तियां होनी है तो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने का प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव सामने है और जिला में भाजपा का खुनबा समेटने की बड़ी चुनौती जिला अध्यक्ष देसराज शर्मा के सामने है। उधर भाजपा के जिला अध्यक्ष देसराज शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व ने उन्हें जिला का दायित्व तो सौंपा है, जिसके लिए वे भाजपा नेतृत्व के आभारी है तथा वे जिला में पार्टी को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में पार्टी संगठित एवं मजबूत है और जहां कहीं कोई कमजोरी होगी उसे भी दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंडल और जिला स्तर की कार्यकारिणियां सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही बनाई गई हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहें एचक्यू टीवी। धन्यवाद।